की ओर अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्रा पर आशंकी रूप से रोक लगाई गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस के कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से अमरनाथ ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि यात्रा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी हम ये देखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं कि क्या सभी गुमशुदा लोग मिलते हैं या नहीं। पहलगाम और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु ने बताया कि हम लोग अपने घर से प्रण लेकर आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन किए बिना हम घर नहीं जाएंगे। बाबा के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन ये हादसा हो गया। सरकार ने आज से यात्रा शुरू कर दी है, हम बहुत खुश हैं। इससे पहले हादसे वाली रात को ही जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक जत्था कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ था। आपको बता दें कि बीते दिनों अमरनाथ में बादल फटने से बहुत भयानक हादसा हुआ, जिसके अंदर काफी लोगों की जान गई, काफी परिवारों ने अपनों को खोया और अब तक भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान भी अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और आज से अमरनाथ यात्रा वापस शुरू हो गई है। चाहे प्रशासन हो, चाहे सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की टीम्स हो, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं ज्योति सिंह दिल्ली से। जी ज्योति, बताएं क्या कुछ जानकारी आपके पास। अमर यात्रा वापस दोबारा शुरू हो गई है, लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा है वापस, लेकिन बीते दिन जो हादसा हुआ वो काफी भयानक था। बिल्कुल अक्षरा, देखिए अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो आज से दोबारा से अमरनाथ यात्रा का आरंभ हो गया है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें, शुक्रवार की बात करें, तो अमरनाथ गुफा के पास जिस तरीके से बादल फटने की घटना के बाद यात्रा पर आशंकित रूप से रोक लगाई गई थी, और रोक के बाद श्रद्धालुओं का एक पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। वहीं देखिए जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से अमरनाथ ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। और यात्रा में अगर हम बात करें तो देखिए सीआरपीएफ के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा है कि अभी हम ये देखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं कि क्या सभी गुमशुदा लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पहलगाम और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और जिस तरीके से अगर हम उस हादसे की बात करें तो देखिए गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में अभी भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। यात्रा के दौरान जिस तरीके से श्रद्धालु बता रहे हैं कि लोग अपने घर से प्रण लेकर आए थे कि भोलेनाथ के दर्शन किए बिना घर नहीं जाएंगे और बाबा के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे और दर्शन करने के लिए आए थे तो दर्शन करके ही जाएंगे, लेकिन ये हादसा हो गया। और देखिए इस हादसे के बाद प्रशासन ने भी लगातार पूरी कोशिश की है कि श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएं, और सरकार ने आज से इस यात्रा की दोबारा से शुरुआत कर दी। और सभी यात्रियों में एक उत्साह के साथ साथ एक खुशी की लहर भी देखी जा रही है, क्योंकि दर्शन करने के लिए वो लोग गए थे और सभी श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और देखिए इससे पहले हादसे वाली रात को ही जम्मू बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों का एक जत्था कश्मीर की बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ था। जम्मू से तीर्थ यात्रियों के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 289 व्हीकल कॉन्वे रवाना किए गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन का मिसमैनेजमेंट बताया है, लेकिन स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद भी प्रशासन की जिस तरीके से सफाई आई है कि भगवतीपुर बेस कैंप में यात्रियों की तादाद ज्यादा हो गई थी, इसमें यात्रा स्थगित होने के बावजूद तीर्थ यात्रियों को बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया था। हालांकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि शुक्रवार के जिस हादसे की वजह से हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अमरनाथ में बादल फटने के अब तक 16 लोगों की देखिए मौत की खबर आ चुकी है।
सेना लगातार सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और 35 लोगों के घायल होने की भी खबर बताई जा रही है, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं 45 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखाई दे रहा है और अभी भी श्रद्धालु कहीं ना कहीं एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीता जी ज्योति, इस पूरी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैनेजमेंट का आ जाता है, क्योंकि अब ये हादसा हुआ जो बादल फटा, कई लोग, कई परिवारों ने अपनों को खोया और अभी तक कई लोग लापता भी हैं, तो अब क्या प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है, चाहे वो सीआरपीएफ टीम्स हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पर। बिल्कुल हर्षिता, देखिए अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो काफी अहम रोल जो था वो मैनेजमेंट का ही था, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय लोगों का जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पे मैनेजमेंट की ही कमी बताई कि इतने सारे श्रद्धालु एक तरफ जिस तरीके से जा रहे थे, अगर मैनेजमेंट सही होता तो इसकी खबर पहले से लग पाती और आगे जो श्रद्धालु निकल रहे थे, आगे जो बढ़ रहे थे, उस यात्रा को वही रोक दिया जाता तो शायद ये जो हादसा हुआ है उसमें इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से भी जो सफाई सामने पेश की गई उसमें ये था कि स्थगित कर दी गई थी यात्रा, उसके बावजूद भी यात्रियों को कई जगहों के लिए रवाना कर दिया गया था, बेस कैंप में उनको ठहराया गया। लेकिन अब इन सब के बावजूद ये हादसा हो गया, लेकिन मैनेजमेंट अब अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं बरतते हुए दिखाई दे रहा और इसलिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद किए गए हैं जो सुरक्षित यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा है। और अब जिस तरीके से एक तरफ जहां लोग, कई लोग लापता हैं और इन सब के बावजूद, इस हादसे के बावजूद भी श्रद्धालु अभी भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए चूक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से हुई है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट चाहता तो ये हादसा हादसे में ये इतने लोगों की जो जान गई है वो नहीं जा पाती। तो एक अहम रोल, एहतियाती कदम जो अब मैनेजमेंट उठा रहा है, अगर पहले उठाए जाते तो इतने लोग गुमशुदा भी नहीं होते। अंशिता जी ज्योति, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी फोन लाइन पे ज्योति।